सवाल यह है ना कि ये तो चलो सुपर फोर शुरू हो गया, आज इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है, उसके बाद अफगानिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, तो मैं आप सबसे ये जानना चाहता था, इंजी भाई से शुरू करता हूं, अफगानिस्तान कितना बड़ा थ्रेट है इंडिया और पाकिस्तान के लिए, और क्या इंडिया और पाकिस्तान ही आपको दो टीमें लगती हैं फाइनल में जाने के लिए? देखिए विक्रांत, ये बिल्कुल अफगानिस्तान थ्रेट है, बिल्कुल, वो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं। सनी भाई बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं सनी भाई प्लीज प्लीज, आई थिंक आप, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान से दोनों टीमों को बचना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान के पास अच्छी अच्छी बॉलिंग अटैक भी है और उनके जो बल्लेबाज है वो बिंदास खेलते, पहली गेंद से वो छक्का मारने की कोशिश करते, तो अगर वो उनका अगर दिन हो और अगर अच्छी शुरुआत मिले तो वो दोनों टीमों को बड़ी फाइट दे सकते, पर उनसे उनसे दोनों टीमों को बचना होगा। हाँ, और बड़े फ्लेयर के साथ खेलते हैं भाई, उनके पास भी अच्छे बल्लेबाज हैं, उनके जो कप्तान है दशम शनुका बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे बचना होगा। जी जी भाई, नहीं देखिए, हम जहाँ अभी सारी हमारी बात कर रहे हैं कि जी जो अभी तक एशिया कप देखने में आया है कि स्पिनर्स है ना कि जी मेन रोल अदा कर रहे हैं कि जी वो बीच में आके डैमेज करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सारों से अच्छे स्पिनर हैं ना वो अफगानिस्तान के पास हैं, क्योंकि जी तीनों जो उनके स्पिनर्स हैं बहुत एक्सपीरियंस हैं, बहुत लीग वगैरह खेलते हैं, उनको T20 का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और ये अफगानिस्तान की टीम अगर किसी शोबे में किसी फॉर्मेट में अच्छी है ना क्रिकेट के, वो T20 में है, और ये इसी कंडीशन में खेलती रही है, ये थोड़ा सा ज़रा सारी टीमों के जहन में होगा, क्योंकि मैं इनकी कोचिंग भी करता रहा हूँ कि इनकी सारी जितनी भी प्रैक्टिस है ना वो सारी शारजा में और दुबई के ग्राउंडों में हुई है, कि इनके कैंप शैम्प सारे यहीं लगते थे, इनको यहाँ का बड़ा ज़्यादा बेहतर आइडिया है, तो ये किसी भी टीम के लिए थ्रेट हो सकती हैं, और इनके पास सिर्फ कोई टैलेंट की कमी नहीं है, कोई बैटिंग की इनकी कमी नहीं है, इनके पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है, क्योंकि ये ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हुए, इनको ज़रा मैच फिनिश करने नहीं आते। अगर आप लास्ट वर्ल्ड कप में भी देखें तो इन्होंने ये बहुत क्लोज चले गए थे सारी टीमों के पास, लेकिन बिल्कुल फिनिश नहीं कर सके थे, वो इनके पास एक कमी मैं देखने में है, और सोर्सेज की कमी नहीं है इनके पास, सिर्फ इस चीज़ की कमी है, वो उस टाइम तक दूर नहीं होगी जब तक ये मुख्तलिफ टीमों से रेगुलर तो रेगुलर बेसिस पे मैचेस नहीं खेलेंगे, तो ये इनकी कमी रहेगी, अदरवाइज इनके पास मटेरियल सारा है, ये किसी भी टीम को किसी भी जगह पे डैमेज कर सकते हैं, और टैलेंट भी बहुत है, जैसे सनी भाई ने कहा कि उनका गेम देखने में बड़ा मजा आता है, बड़े फ्लेयर के साथ खेलते हैं चाहे बॉलिंग हो या बैटिंग हो, और मुझे ज़ाती तौर पे उनका उनकी जो गेम है बड़ी पसंद आई है। और अगर विक्रांत, अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा देता है, वी नो हु टू ब्लेम, ये इंजमामुल हक हेड कोच रह चुके हैं, तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं उनके जो स्किल्स डेवलप हुए उसमें इनका बड़ा किरदार है, तो अगर पाकिस्तान को हराया तो फिर वी नो हु टू ब्लेम फॉर दैट, है, और पार्शियल ब्लेम आप इंडिया को भी करें, क्योंकि इनका होम ग्राउंड यहां पे था, इनका अफगानिस्तान का कई साल होम ग्राउंड इंडिया में है। जी सिग्वाई, क्या वीकनेस है इंडिया की जो एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है? टीमें तो है ही है, इसमें कोई कोई शक नहीं है दूर दूर तक। जी नहीं, लेकिन मैं वही सवाल भज्जू से भी करना चाहता था कि क्या इंडिया पाकिस्तान दो बड़ी टीमें हैं, बट दोनों टीमें क्योंकि उस रंग में नहीं दिखी हैं, अफगानिस्तान किसी भी दिन किसी को आके अपसेट कर सकता है? जी हाँ, मुझे तो देखिए, मैं बाकी सबसे अलग जाऊंगा, मुझे लगता है कि जो मेरी गट फीलिंग कहती है, इस पूरी अभी तक जितनी क्रिकेट हुई एशिया कप में, कोई बेहतर क्रिकेट जिसने खेली है वो अफगानिस्तान ने खेली है। आई थिंक देयर स्पिनर्स आर फिनोमिनल, और निडर बल्लेबाजी की है उन्होंने, श्रीलंका के सामने 100 रन का लक्ष्य था, वो 10 ही ओवरों में चेज कर दिया, वो दबंग बल्लेबाजी करी, उन्होंने दिखाया कि T20 कैसे खेला जाता है। आई फील अफगानिस्तान विल हैव अ ग्रेट चांस टू क्वालिफाई इन द फाइनल, नॉट इन द सेमीफाइनल आई एम सेइंग, और पहली टीम तो कौन जाएगी फाइनल में ये नहीं मैं कह सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि अफगानिस्तान जरूर वहां पे प्रवेश पाएगी, और ये अब मुकाबला रह जाएगा बाकी इंडिया पाकिस्तान और श्रीलंका या फिर बाकी हांगकॉन्ग कि ये चार टीमों में से कौन जाएगा, और उसमें से भी अगर दो हम माइनस कर दें तो इंडिया पाकिस्तान, हम देखना तो जरूर चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग साइड है, बट अफगानिस्तान कैन डैमेज एनी ऑफ द टीम, क्योंकि नोइंग देम दे आर नॉट स्केयर्ड फ्रॉम एनीवन, उनके पास इतना तजुर्बा नहीं है जो एनसी भाई ने कहा है, पर उनके पास दिल बहुत बड़ा है। आई थिंक वो यहाँ पे खेलने आए हैं, जीतने आए हैं, और रशीद खान की किस्मत बड़ी अच्छी भी चल रही है,
अभी अभी जिस जिस टीम में गए हैं वो टीम जीतती भी है। तो मुझे तो लगता है कि अफगानिस्तान जो है वो फाइनल तक जाएगी। दूसरी टीम में उम्मीद करता हूँ इंडिया हो वहाँ। मैं जरा यही क्वेश्चन सिकंदर बख्श से भी करना चाहूंगा, बल्कि हम सोच रहे थे कि पहला लीग का मुकाबला, चलो सुपर फोर इजी, सुपर फोर ज्यादा मुश्किल हो गया आपके लिए, बल्कि दोनों के लिए। जी सिकंदर बख्श, देखें अफगानिस्तान से सबसे पहले तो श्रीलंका खेलेगा, उसके बाद हम खेलेंगे। हमने वहाँ पर फैसला करना है कि हम अफगानिस्तान को कैसे हैंडल करते हैं। अफगानिस्तान वाकई मेरी भी फेवरेट टीम है और बहुत अच्छा खेल रही है और दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, मगर ये कि उनका वही बात जो इंजी ने बोली, उनका जो एक्सपीरियंस है वो इतना नहीं है जो मैच फिनिशिंग वाला है, मगर उन्होंने कुछ मैच तो बहुत ही अच्छे फिनिश किए। तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि फाइनल में कौन क्वालिफाई करता है। और जैसे मैंने कहा, मेरी भी फेवरेट टीम है अफगानिस्तान और वहाँ की पिचेस और उनकी कंडीशन से वो बहुत ज़्यादा उनकी आदत उनकी बनी हुई है। तो ऐसी टीम है जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोहताद होकर खेलना है। वो हरभजन सिंह ने एम्पायर की उंगली उठा दी है, कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। जी जी देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ अफगानिस्तान क्योंकि वो निडर है, दे हैव नथिंग टू लूज, दे हैव एवरीथिंग टू गेन, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान प्रेशर में खेलेंगी क्योंकि बड़ी टीम है, और जब दो पहलवान लड़ते हैं तो प्रेशर हमेशा उस पर होता है जिसका बहुत नाम होता है, जिसको पता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ पाने के लिए ही है, तो फिर वो तो दबंग तरीके से क्रिकेट खेलेगी। वो अफगानिस्तान है और उनकी अभी तक की देखिए रन रेट सबसे बढ़िया है और वो दबंग अंदाज से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आई फील कि दे हैव अ स्ट्रॉन्ग चांस टू गेट इनटू द फाइनल।